राकेश सरिता जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में भी खेल की नई संस्कृति और खिलाड़ियों के जुनून का प्रतीक बन गया है। अनेक बाहर से आए नौजवान खिलाड़ियों को शायद नहीं पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आज से कुछ वर्ष पहले मार्च 2-3 लाख युवा ही खेल में हिस्सा लेते थे और कम लोगों को अपनी प्रतिभा को चमकाने का अवसर मिलता है। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने कड़ी मेहनत करके इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य खेल सुविधाओं का विकास भी किया है और आज हर वर्ष 50-60 लाख से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी दक्षता और क्षमता खेल के मैदानों में साबित कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है, जहां हमारे सुरक्षा बलों ने, पुलिस के जवानों ने, पुलिस के लोगों ने मेहनत किया है, वहीं मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज जम्मू कश्मीर में प्रशासन इंटरनेशनल स्तर के आयोजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, साथ ही पंचायत से लेकर डिस्ट्रिक्ट स्तर तक, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बच्चों और नौजवानों के बीच एक मजबूत खेल संस्कृति भी निर्मित हुई। मैं मानता हूं कि अभी गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स और 3 दिन पहले समाप्त हुए एशियाई पैरा गेम्स में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने यहां के अन्य युवाओं में एक नई आशा की किरण जगाई। मैं उद्देश्यों को लेकर अत्यंत सकारात्मक सोच का आदमी हूं, लेकिन ये सच है कि अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, लाखों सपनों को साकार करना है। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और ख्वाहिश भी रखते हैं 140 करोड़ सपनों को पूरा करने के लिए जब ओलंपिक में मेडल्स का शतक लगाया जाए तो उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों के टैलेंट का भी योगदान शामिल है। इसलिए ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोचिंग की व्यवस्था स्थापित करें, स्पोर्ट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी प्रोत्साहित करें और हाउसिंग कॉलोनी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक हर कड़ी में स्पोर्ट्स कल्चर को पनपने का अवसर दें। मुझे उम्मीद है इस लक्ष्य में टैलेंट्स की पहचान और उनके भविष्य के लिए नए मार्ग की तैयारी करने में स्कूल गेम्स प्रदर्शन जैसे खेल संस्थान का भी योगदान होता है। मैं आज यहां उपस्थित दो डिसिप्लिन फुटबॉल और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से ये कहना चाहूंगा कि जब आपके गेम शुरू होंगे तो आपके दृढ़ निश्चय और प्रयासों का कंपटीशन दूसरी टीम से नहीं बल्कि स्वयं के साथ होगा। मैदान पर अपना परचम वही लहराते हैं जो निरंतर अपने परफॉर्मेंस की सीमाओं को नए रिकॉर्ड से तोड़ने में जुटे रहते हैं। स्पोर्ट्स एक मात्र ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें शरीर और दिमाग की सामूहिक शक्ति सीमाओं के परे जाकर सफलता के उच्चतम शिखर प्राप्त करती है। मैं सभी खिलाड़ियों का आह्वान करता हूं कि आपके एटीट्यूड में, मैदान में आपके संकल्प में, आपके हर कदम में एक शक्तिशाली विजेता का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। जिस खिलाड़ी के भीतर जीतने का जुनून पैदा होता है वह कभी हार नहीं मानता। युवा साथियों, आज नेशनल स्कूल गेम्स में आपको खेलने का अवसर इसलिए मिला है कि आपने परिश्रम से पसीना बहाकर मैदान में अपने टैलेंट को साबित किया। आपको वो अनोखा मौका मिला है जिससे आप चूक नहीं सकते, बल्कि इस अवसर का फायदा उठाकर आपको अपने खुद के परफॉर्मेंस का नया कीर्तिमान स्थापित करना। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर और देश के अन्य भागों में प्रतिभा की कमी नहीं। विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों में जो गतिशीलता आई उसने तिरंगे की शान के लिए विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने की क्षमता और संकल्प दोनों पैदा किए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि आपका दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास इसमें शामिल रहे। खेल संस्थानों, सरकार की तमाम पहल के साथ आपका साहस स्पोर्ट्स में भारत को सफलता के चरम शिखर पर ले जाने में जरूर कामयाब होगा। ब्राजील के विश्व प्रसिद्ध
खिलाड़ी पहले कहा करते थे कि सफलता कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं, ये कड़ी मेहनत, व्यक्तिगत दृढ़ता, आत्म बलिदान तथा खेल के प्रति जुनून की हद तक मोहब्बत का ही नतीजा। जिस प्रकार सरदार पटेल ने अपने साहसी नेतृत्व, कुशल संगठन शक्ति, स्पष्ट लक्ष्य के साथ ब्रिटिश सत्ता को झुका दिया, उन्हीं आदर्शों के साथ आपको टीम भावना, अदम्य इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना। पूरा देश सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहा करते थे कि सरदार पटेल में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उनके पास ऐसा मस्तिष्क था जो उलझी हुई स्थितियों को एक बार में ही समझ जाता था, और यदि वे किसी काम को हाथ में लेते थे तो उसे किसी भी हाल में पूरा करके ही छोड़ते। सरदार पटेल के यही गुण खेल के मैदान में आपका मार्गदर्शन करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। आज से शुरू हो रहे गेम्स के द्वारा आपको मैदान में ऐसे प्रयास करने हैं जो आपको हर गेम में बेहतर बनाने की चुनौती देंगे। नेशनल स्कूल गेम्स एक ऐसा अवसर भी है जो देश के अलग अलग हिस्सों से एकत्रित युवाओं में मैत्री का जन्म भी हो सकता है, इसलिए वह विभिन्न संस्कृति और क्षेत्रीय विकास के ब्रांड एम्बेसडर भी हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका प्रवास, यहाँ आपका अनुभव और राष्ट्र के मुकुटमणि के रूप में पहचाने जाने वाले जम्मू कश्मीर की तरक्की के आज से सभी ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले वापस जाकर इस प्रगतिशील यूनियन टेरिटरी के नवनिर्माण से सभी को आप अवगत कराएंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, हर मैच के पहले विजेता बनने के सपने देखिए और उसे साकार करने के लिए खुद पर पूरा भरोसा रखिए। आपके सामने आकाश छूने का अवसर आया, इस अवसर को पहचानने की जरूरत है और भारत के स्पोर्टिंग पावर के लक्ष्य में आप सब का योगदान मैं समझता हूं कि भारत को कैसी ताकत देगा जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में तिरंगे की शान को बढ़ाएगा। मैं ऐसी कामना करता हूं और इस आयोजन के लिए आप सबके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अपनी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन से जुड़े हुए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल और SGFI के सभी पदाधिकारियों को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं। बहुत ही बेहतर इंतजाम आपने किए हैं। फिर से यहां देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए खिलाड़ियों का, कोचेज का मैं हृदय से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।